Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's topic is how to calculate atomic mass and molar mass. But before proceeding, do like, share and subscribe the channel as your support matters in this journey. Welcome to Science Pedagogics, children. Aaj hum chemistry ka chapter number 3, atoms and molecules mein atomic mass, molecular mass, molar mass, ye bahut hi difficult topic hai ki ये क्या ये सब चीज़ें सेम हैं या ये डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर ये मास डिफरेंट है तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे से बहुत से स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहेंगे, वेरी सिंपल। ओके, बट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, मीन्स इट इज इट्स मास इज क्वाइट स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम का अगर हम एब्सोल्यूट मास की बात करें तो वो होता है 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। ओके, तो एक एटम का मास जो है वो बहुत ही कम है। अब इतने टिपिकल नंबर से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन हो गया कि हाउ कैन वी डू कैलकुलेशन बाय यूजिंग सच अ टिपिकल क्वांटिटी। 1.99 इंटू 10 इज -23 ग्राम इज द मास ऑफ वन एटम। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक नया प्रोसेस निकाला, उसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। इस सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया कि एक एटम का हम एब्सोल्यूट मास नहीं लेते, एब्सोल्यूट मास लेने की बजाय हम क्या लेते हैं, रिलेटिव मास। ओके, सो फॉर कैलकुलेशंस वी ऑलवेज कंसिडर द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। एक पॉइंट तो ये हो गया कि रिलेटिव मास। अब ये रिलेटिव मास है क्या? रिलेटिव मास की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स हम एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी स्टैंडर्ड वैल्यू से। दिस इज द रिलेटिविटी। ओके, यानी एक एटम के मास को कंपेयर किया जा रहा है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से। अब अगर हम एटम के मास की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू भी जो है वो कोई दूसरा एटम ही होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई बुक है और आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक है और आपको इस बुक का पूरा वेट निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसे वेइंग स्केल पे रख दोगे। वेइंग स्केल पे रखने के बाद इसको 1 kg 2 kg की स्टैंडर्ड वेट हम रखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि ये 1 kg है कितना ज़्यादा, यही करते हैं वेट करने के लिए, रिलेटिव वेट निकालते हैं। इसी तरीके से जब एटम का रिलेटिव मास निकाला जाता है तो एक स्टैंडर्ड हमें दूसरा एब्सोल्यूट मास लिया जाता है, और वो रिलेटिव मास को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड मास हम लेते हैं, दैट इज C12 कार्बन एटम। ओके, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो C12 कार्बन एटम है उसको हम एज अ वेट यूज करते हैं, और बाकी सारे एटम्स, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो इसके मास को इससे कंपेयर किया जाता है। ओके, यानी हाइड्रोजन का जो वन एटम का मास है वो कार्बन C12 कार्बन के वन एटम से कितना ज़्यादा भारी है। एम आई राइट बेटा? बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड मास, हम C12 कार्बन एटम के मास को स्टैंडर्ड मास के तरह काम में लेते हैं और बाकी सारे एटम्स के मास को इससे कंपेयर किया जाता है। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमें स्टैंडर्ड मास लेना है तो वो हम C12 कार्बन एटम ही क्यों सेलेक्ट किया? साइंटिस्ट ने C12 कार्बन एटम ही सेलेक्ट क्यों किया? इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट C12 कार्बन एटम, दैट इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन, इट इज द मोस्ट स्टेबल। क्या माना जाता है कि ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हमें इसे एज ए स्टैंडर्ड वेट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग, कि ये कैसे पता चला कि इसका मास जो है, C12 कार्बन एटम का मास जो है वो 12 यूनिट के इक्वल होता है। अब ये यूनिट कहाँ से आई, 12 कहाँ से आई? ओके चिल्ड्रन, तो इसके लिए भी एक रीज़न साइंटिस्ट ने दिया और इसका भी एक सॉल्यूशन दिया कि कार्बन 12 जो एटम है उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स, ये कॉन्सेप्ट है। तो C12 कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम एक प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट लें और 1 न्यूट्रॉन के मास को भी 1 यूनिट लिया जाए तो टोटल कितने यूनिट हो गए, दैट इज 12 यूनिट। ओके, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन, एक प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट और 1 न्यूट्रॉन के मास को 1 यूनिट लिया जाता है तो टोटल हो गया 12 यूनिट। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कैरी मास, मीन्स देयर मास इज वेरी वेरी स्मॉल इन नंबर, कि इनका मास जो है वो नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं, इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है।
ओके सो C12 कार्बन एटम क्यों लिया, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। इसका 12 यूनिट मास कैसे आया, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और एक सब एटॉमिक पार्टिकल के मास को हमने 1 यूनिट एज अ मेजरमेंट लिया, तो टोटल हो गया 12 यूनिट। दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कंपेयर द मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एल्यूमिनियम जिंक एनी अदर एलिमेंट विद द C12 कार्बन एटम। ओके C12 कार्बन एटम की हेल्प से हम इन सारे एटम्स का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट इफ 12 यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एम आई राइट, क्योंकि C12 कार्बन एटम का जो है एक एटम का मास कितना है 12 यूनिट, सो 12 यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो 1 यूनिट लीनियर इक्वेशन, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12th C12 कार्बन एटम, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर 12 यूनिट जो है वो एक कार्बन के एटम के मास के इक्वल है तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 अपॉन 12th C12 कार्बन एटम। क्लियर, सो स्टैंडर्ड 1 यूनिट का मतलब हुआ इतना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया गया वो है 1 यूनिट, नाइट्रोजन दैट इज 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट। ओके, यूनिट मीन्स जैसे हम वेट के लिए किलोग्राम लेते हैं, टाइम के लिए सेकंड लेते हैं, लेंथ के लिए अपन मीटर लेते हैं, ऐसा यूनिट। इसी तरीके से जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट क्या है, यू, दैट इज यूनिफाइड मास, या यू का मतलब यूनिट नहीं है, यू इज इक्वल टू यूनिफाइड मास, यू इज इक्वल टू यूनिफाइड मास। ओके, सो हाइड्रोजन का अगर एक एटम का मास है 1 यूनिफाइड, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो 1 एटम है वो C12 कार्बन के 1 एटम के 1 अपॉन 12th के इक्वल होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16 यूनिट, इससे क्या पता चलता है, 16 यूनिट का मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन का 1 एटम है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16th टाइम हैवियर देन 1 अपॉन 12th C12 कार्बन एटम। ऑक्सीजन 16th यू मीन्स 16 यूनिफाइड मास, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है, ओके, वो C12 कार्बन एटम के 1 अपॉन 12th पार्ट से 16 टाइम्स हैवियर है, 16 टाइम हैवियर है। दिस इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, दिस इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल दैट इज जिंक इज 65 यूनिट, अब 65 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जिंक के एक एटम का मास C12 कार्बन एटम के 1 अपॉन 12th से 65 टाइम हैवियर है। ओके, सिमिलरली कैल्शियम 40 यूनिट, यानी कैल्शियम के 1 एटम का मास C12 कार्बन एटम के 1 अपॉन 12th वेट से 40 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, ऐसे ही कंपेयर करते हैं, हम एक वेइंग स्केल के अंदर एक तरफ 1 केजी का वेट रखते हैं, दूसरी तरफ हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं, और अगर वो 1 केजी है या 2 केजी तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि इसके इक्वलेंट है, तो एक एटम का मास कितना होगा, इसके इक्वलेंट होगा। ओके, नाउ लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी एटम इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 अपॉन 12th C12 कार्बन एटम। यानी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी एटम के मास को C12 कार्बन एटम के 1 अपॉन 12th पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 12th दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ एटॉमिक मास ऑलवेज बी मेजर इन AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, सो इट इज डिफाइंड एज द 1 अपॉन 12th ऑफ द एक्चुअल मास, और वी कैन से एब्सोल्यूट मास, दैट इज
एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। AMU जो है यूनिट वो पहले यूज में ली जाती थी, अब AMU को किससे रिप्लेस कर दिया, दैट इज U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास एंड AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर, दीज आर द टू स्टैंडर्ड यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन एटम। नाउ एज वी नो दैट एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट, एटम्स जो है वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओके, एंड दे एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। सो वॉट इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, दैट इज मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 कार्बन C12 कार्बन एटम। यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं दैट इज Cl2 क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक एटम का मास है 35.5, तो दो एटम का मास कितना हो जाएगा 71 यूनिट। यानी क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो C12 कार्बन एटम के वन एटम के 1/12 पार्ट से 71 टाइम्स मोर हैवियर है। कितना ज्यादा है, इससे 71 टाइम्स मोर हैवियर है, ओके। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 C12 कार्बन एटम। अब थर्ड वन दैट इज मॉलिक्यूलर मास भी हो गया। मॉलिक्यूलर मास के बाद आता है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास, नेक्स्ट इज फॉर्मूला यूनिट मास। अब चिल्ड्रन जो फॉर्मूला यूनिट मास है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए बेसिकली ये टर्म यूज की जाती है। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। एक्चुअली एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटायंस और एनायंस का बैलेंस होता है, ओके। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कैटायंस एंड एनायंस। तो फॉर्मूला यूनिट मास बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ओके। अब आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस, NaOH, Na प्लस एंड OH माइनस, H प्लस OH माइनस, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, HOH दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ओके। सो ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स के मास को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। अगर हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन, फॉर्मूला यूनिट मास, ओके। नाउ फॉर कैलकुलेशन, अगर एटॉमिक मास को हम यू की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, किस में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 2 यूनिट, विच इज इक्वल टू 2 ग्राम, दैट इज सेम, ऑल द थिंग्स आर सेम। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर यूनिफाइड मास की जगह आपको ग्राम का सिंबल यूज करना है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में यूज रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इन अ वेरी शॉर्ट समरी, मास ऑफ वन एटम एटॉमिक मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट मास, ओके। व्हेन दीज थ्री मासेस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिफाइड मास, ओके, और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राम ऑल्सो। इसको यू में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, क्लियर। Now children, it is a little bit boring topic because complete theory, and in this theory the definition of all these one that is a little bit difficult for students. ये students के लिए समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। आपको simply सिर्फ क्या याद रखना है कि जो carbon के one atom का mass है that is 12 unit है, उसको हम standard unit की तरह काम में लेते हैं, और बाकी सारे atoms, जितने भी atoms हैं, molecules हैं, formulas हैं, compounds हैं, इन सब के mass को कार्बन 12 C12 कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से हम कंपेयर करते हैं, दैट्स इट। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक, नाउ इट वुड बी अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, ओके। अब ये बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, दैट इन दिस वन फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन NCERT की लाइंस आपको एज इट इज लर्न करनी है। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जो न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे, वो क्या होता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास
और फॉर्मूला यूनिट मास व्हाटएवर, लेकिन आपका प्रोसेस जो है वो सेम ही होगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो चाहे वो फॉर्मूला यूनिट मास हो. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. क्लियर? अब अगर हम फर्स्ट नंबर पे लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, या तो आपको एग्जाम में नेम गिवन होगा या एग्जाम में आपको फॉर्मूला गिवन. क्लियर? सेकेंड थिंग, यू नीड टू लर्न सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1 यूनिट, सोडियम 23, पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, कार्बन 12 यूनिट, क्लोरीन 35.5 यूनिट. हेयर आई हैव रिटन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एटम्स एंड देयर एटॉमिक मास. ओके, जनरली नाइन्थ में इन एटम्स के एटॉमिक मास लर्न करने से आपका काम चल जाएगा. सो कैल्शियम ऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू सेपरेट ऑल एलिमेंट्स बाय प्लस साइन. आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, CaO, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को आपको प्लस साइन से आपको कनेक्ट कर देना है. नाउ कैल्शियम एटॉमिक मास इज, दैट इज 40 यूनिट. ओके, 40 प्लस ऑक्सीजन 16 यूनिट, एम आई राइट? सिंपल कैलकुलेशन, दैट इज 56 यूनिट. डन, दिस इज द आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्लस साइन से आपको सेपरेट करना है. हेयर वी हैव थ्री एलिमेंट्स, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो Ca प्लस O प्लस H. अब दूसरा स्टेप क्या है बेटा इसमें, कि जो कैल्शियम है वो तो एक ही एटम है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ऑक्सीजन कितने एटम है? दो एटम्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑल्सो 2 एटम्स, सो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन. क्लियर? सेकेंड स्टेप, कैल्शियम एटॉमिक मास 40 यूनिट एज इट इज गिवन, ऑक्सीजन 16 यूनिट, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, एंड हाइड्रोजन 1 यूनिट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो 40 प्लस 16, 2 जा 32. फर्स्ट अप्लाई बोर्ड मास फॉर्मूला. ओके, 32 प्लस 2, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद एडिशन होगा, दैट इज 74 यूनिट. ओके, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस, दैट इज NaNO3. ओके, थर्ड वन, रैंडमली यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल NaNO3. फर्स्ट स्टेप, सेपरेट ऑल एलिमेंट्स बाय प्लस साइन, Na प्लस N प्लस O3. ओके, नाउ हियर ऑक्सीजन हैविंग सबस्क्रिप्ट 3, ऑक्सीजन का 3 सबस्क्रिप्ट है, इट मींस सबस्क्रिप्ट हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई. सो Na प्लस N प्लस 3 ऑक्सीजन, Na 23 यूनिट, नाइट्रोजन 14 यूनिट, 3 इंटू 16, 23 प्लस 14 प्लस 16, 3 जा 48. ओके, 8, 4, 12, 12 और 3, 15, 5, 5, 6, 7, 8, 85 यूनिट. सिंपल. सो ऑन दिस टॉपिक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, यू कैन फाइंड डेफिनेशन ऑफ वन मार्क क्वेश्चन. ओके, एंड सेकेंड इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास. क्लियर? फॉर दिस वन यू नीड टू लर्न दिस टेबल. दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मास. आई होप चिल्ड्रन दैट दिस टॉपिक वुड बी वेरी क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट then you can just write us in comment box so that we can help you. Thank you. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And इस chapter से related और videos आपकी screen पे shown है. And please keep updated with yourself about our further videos.